Khushamdeed everyone! This is Heather Kazmi. And this is Dania Kazmi. Welcome to an amazing video of Desi H&D Reacts. Well, आज इस गाने के ऊपर हम रिएक्ट कर रहे हैं. उस गाने का नेम है डीनो जेम्स का है केमिकल फीचरिंग कैप्रिला ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो. देखते हैं केमिकल्स. वैसे केमिकल्स का नेम सुनते ही जहन में खतरनाक सी चीज रखते हैं केमिकल्स. केमिकल्स केमिस्ट्री का सब्जेक्ट मेरे जहन में कभी भी नहीं आता. मुझे बहुत बुरी लगती थी केमिस्ट्री. तुम्हें पसंद थी केमिस्ट्री? अच्छा बाकी साइंस से सब्जेक्ट हां साइंस नहीं. अच्छा मुझे फिजिक्स भी ठीक लगती थी ना. फिजिक्स में ये होता था कि न्यूमेरिकल्स और इन चीजों को छोड़ के ना न्यूमेरिकल से हट के याद करने वाले मतलब वो जो रीडिंग्स वाले होते थे ना वो मैं थ्योरी लिख लेता था. लेकिन क्या केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के फार्मूले याद कर लेती थी. फार्मूले वही चलते थे. मैंने इसको फिजिक्स के फिजिक्स से बहुत ही घटिया होता था. मुझे तो हर ये या केमिकल्स मतलब मुझे नहीं पता चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो. मैथ्स में तुम फेवरेट ऐसे फेवरेट सब्जेक्ट है. वेल कहां से बात कहां चलेगी केमिकल्स. हां डीनो जेम्स का गाना. हम आर्ट के ऊपर थे. आर्ट से हम लोग केमिकल्स पे और मैथ्स पे पहुंचे. गाने का नेम ही केमिकल्स है. तो डीनो जेम्स केमिकल देखते हैं. लेट्स प्ले द वीडियो. बस आंसर है ना. कहाँ से भाग रहा है? ओ ये क्या था? उसकी वेन्स में लाइटिंग लिजर्ड नहीं वो कैमिलियन कैमिलियोशन ये क्या वो नहीं होता गिड़गिड़ रंग बदलने वाला. लाइक यू लड़की गड़गड़ बताइए. नहीं लड़की नहीं गिरगिट सिखाई जी बंदा गिरगिट अलग सी. उस गिरगिट के ऊपर से कपड़ा उठता है ना तो अंदर लड़की होती है. क्या कह रही है? तू सरवर में घरवर में हर पल बस बड़बड़ में डर डर कम दर दर दिल दर दर की उमर मर के करवट लू हर क्षण में पर्वत ताब कण में सरगर में मन सर दे अंदर भर भर दर दे अखंडर जैसे मंजर जैसे खंजर करे पंजर हूं मैं बंजर करूं संघर्ष ने हम दर फिर तंग कर ढीले अंजर सारे बंजर तेरी संगत मेरी संपत पर संपत मेरी हम पर जस्ट वन वर्ड कैन कंफर्ट सुनाने दे मुझे जाने दे जीने के झूठे बहाने दे उन सारी यादों की अर्थी को कांधे दे तू मुझे था मेरे भले तू ताने दे वो सब अनजानी सी यादें लौटाने दे खो गया था मैं कब से खुद को पाने दे गाने दे गाने दे बस मुझको गाने दे गाने दे गाने दे गाने दे बीमारियों के दाग ये जाते नहीं सौदर्य Bye.
आखिर में आंख खुल जाती है इसको। गाना तो हुआ खत्म, लेकिन कुछ क्या कहना चाहोगी इसके बारे में? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं तो अंदर घुस गया था, लिटरली मैं गाने को समझने के लिए अंदर घुसा था। डेफिनेटली म्यूजिक मजे का था, साउंड मजे का था, एक मैसेज वो जो पोर्ट्रे विजुअल्स आ रहे थे वो भी मजे का थे, लेकिन मैं लिरिक्स समझना चाह रहा था। देखो सबसे पहले दिखाते हैं वो कैमेलियन, वो गिड़गिड़ दिखाते हैं, उस पर उसको एक दुपट्टा जाता है, लड़की आती है, ये तो थोड़ा बहुत समझ आता है, चलो रिजेम्बलेंस दी गई लड़कियाँ जो इसमें, ये लड़की दिखाई गई है अपने रंग बदलती है, एक ये रिजेम्बलेंस आई है। दूसरा ये होता है कि वो लड़का ये कह रहा होता ना कि मैंने जो हमाकत की है, प्यार किया है, मोहब्बत की है, ये मत करना, नहीं करना, आगे नहीं, तो क्या ये, और आखिर में दिखाते हैं कि वो बंदा नीचे गिर रहा होता है हवाओं में, जमीन पे आके पटकता है, वो लड़की वापस मुड़ के जा रही होती है, क्या मतलब क्या क्यों, ये ब्रेकअप सॉन्ग है या फिर ब्रेकअप के बाद की स्टोरी है? थोड़ी डिफरेंट डिफिकल्ट है यार इसके ऊपर, मैं मतलब हर एक का डिफरेंट ओपिनियन होगा, हो सकता है रियलिटी में कुछ और पोर्ट्रे किया जा रहा हो, आपका जो होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से यही कह सकता हूँ कि इसमें ये बताया गया कि शायद ब्रेकअप मतलब ये जो चीट कर जाती हैं, ये चीट पार्टनर्स कर जाते हैं, ये चीटिंग के ऊपर बताया गया कि उसने ऐसा धोखा दिया, ये किया, ये मतलब बहुत डीप था, बहुत डीप था कि मैं तो बता ही नहीं सक रहा। मैं ये अपना परसेप्शन दे रहा हूँ कि शायद मुझे तो ब्रेकअप सॉन्ग लगा, ये चीटिंग सॉन्ग लगा जिसमें वो चली जाती है लड़की और ये ऊपर से गिरता है जमीन के ऊपर, लेकिन फिर आखिर में आंखें भी खोल लेता है, पता नहीं। वेल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर हम इस गाने की बात करें, म्यूजिक भी जबरदस्त और कंसेप्ट, ये वो वेन्स वाला क्या कंसेप्ट था, वो लाइटें चल रही होती हैं अंदर, वेन्स केमिकल्स बताए गए कि मतलब मतलब अंदर वो जो होता है हरारत सी होती है, ये होता है ना कि वो अंदर वो मतलब जो दो लवर्स जब इकट्ठे होते हैं तो मुझे भी नहीं समझ आई है ये, मैं मतलब मैं गैस ही कर सकता हूँ क्योंकि इतना डीप था कि ऊपर से गुजरा है, ऊपर है ना, ऊपर से गुजरा है गाना। लेकिन फिर मैंने बहुत हद तक कोशिश की है कि मैं इसको समझूं, और आपने क्या समझा इस गाने से आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी कोशिश थी, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं ठीक हूँ, ये भी आप बता दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा जहाँ पे आपको लगा कि मैंने गलत अपना बताया। और क्या था, बहुत डिकोच था, बहुत कुछ था जबरदस्त, मतलब मुझे जो समझ आया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और आखिर में लड़की वापस चली जाती है। तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अगर ये वीडियो ज़्यादा पसंद आई है या आप चाहते हैं कि कोई और लोग भी देखें इस वीडियो को, शेयर करें, लाइक करें, फ्रेंड के साथ मैसेंजर पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे या स्नैपचैट पे करें। मैं शूटिंग के दौरान मेरा मोबाइल इतना बज रहा था ना, मुझे नहीं पता मेरा नहीं करता मैं, हालांकि तुम्हारा क्या मतलब नहीं करता मैसेज ही नहीं करता नहीं मैं नहीं, तुम क्या कह रहे हो, मुझे सुबह से लेकर शाम तक मैसेज आ रहे होते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूं मोबाइल पे लगा होता हूं। हां मतलब अभी भी लिटरली मतलब मेरे भाई की बेस्टीज। अच्छा तो वो मतलब मैं वो शूटिंग कर रहा था ना, मैं गाने देखो तो मेरा मोबाइल बार बार ब्लिंक ब्लिंक हो। अभी मैं शूटिंग मतलब अभी क्या वीडियो खत्म हो जाए तो साथ चेक करता हूँ कि किसके नोटिफिकेशन है। ओह माय गॉड, रेंडो बहुत ज़्यादा स्नैपचैट ज़्यादा है, व्हाट्सएप भी बहुत सारी। सो गाइज मिलते हैं हम अब आपसे, ओ सब्सक्राइब को बोला ही नहीं है, देसी HND रिएक्ट्स, देसी HND म्यूजिक दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर टाइम पे जब वीडियो अपलोड हो और वो वीडियो आपका कंटेंट हो, अगर वो वीडियो आपकी पसंदीदा हो तो YouTube आपको रिकमेंड करे वो वीडियो देखने के लिए। सो गाइस मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके टेक केयर।